वेलकम बैक गाइस। सो हमने पढ़ा अबाउट फ्यू वाइल्ड डिजीजेस एंड फंगल डिजीजेस। चलो चलते हैं हमारा फेवरेट डिजीज दैट इज मलेरिया। मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, मतलब मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ एंड दैट प्रोटोजोआ इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। तो चलते हैं मलेरिया के बारे में जानकारी लेने के लिए। ओके, अब हमें जनरली ऐसा लगता है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ मस्कीटो। नो, मलेरिया मस्कीटो से नहीं होता है। मस्कीटो इज ओनली अ वेक्टर एंड मलेरिया इज बेसिकली कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। सो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के बाइट से होता है ये मलेरिया। अब ये जो है मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बेसिकली करती क्या है, एक चीज याद रखो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ब्रीड करती है, मतलब बच्चे देती है इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर में जब वो अंडे ले करने जाती है तब कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में आ जाता है एंड दिस मस्कीटो व्हेन इट बाइट्स यू यू विल सी दैट दिस विल बी ट्रांसफर्ड। अच्छा, एक्चुअली प्लाज्मोडियम एक इंसान से दूसरे इंसान में भी जा सकता है। मतलब अगर मुझे है मलेरिया और मुझे किसी मच्छर ने काटा तो उसके बॉडी में ब्लड चला जाएगा मेरा एंड ये ट्रांसफर कर सकती है टू अ न्यू इंडिविजुअल। मस्कीटो जितना ज्यादा ब्रीड करेगा उतना ज्यादा मलेरिया फैलेगा एंड दैट इज द रीजन मस्कीटो को ब्रीड करने से रोकना पड़ेगा टू अवॉइड मलेरिया। अब तुम बोलोगे मैम फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं? फीमेल हमारी बॉडी से ब्लड सक करती है टू ले एग्स बिकॉज इट नीड्स न्यूट्रिशन फॉर दैट प्रोसेस। मेल ब्लड सक करते नहीं है। मेल जनरली प्लांट में सैप होता है, याद है मिक्सचर ऑफ वाटर मिनरल्स और प्लांट से निकलने वाला सैप। मेल दे जनरली फीड ऑन द सैप सो दे आर फाइटोफैगस। बट हमारे जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है इट विल टेक द ब्लड मील फ्रॉम ह्यूमंस सो दैट इट कैन ले एग्स इन द स्टैग्नेंट वाटर जहां पे लार्वा डेवलप होगा। अब as we know that mosquito will transfer plasmodium in our body, that is a protozoa. to chalte hain, there are different types of plasmodium ke species. okay, so we have plasmodium falciparum, we have plasmodium vivax, we have plasmodium ovale एंड वी हैव प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, अब ये कैसे याद रखेंगे? आई सिंपली रिमेम्बर देम एज एफ बी ओ एम, दैट इज फ्योम। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर फ्योम। सो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवाले एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, अब ये जो प्लाज्मोडियम्स है ना, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद तुरंत बुखार या तुरंत कोई सिम्टम नहीं दिखाता है। इट टेक्स सम टाइम, इट विल जस्ट डिवाइड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ये वो पीरियड जब हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम आ गया और जब हमें सिम्टम दिखता है, इसके बीच का जो पीरियड है इसको हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये सारे के सारे का इंक्यूबेशन पीरियड भी अलग अलग है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ऑल दीज। फाल्सिपारम का इंक्यूबेशन पीरियड है 12 डेज, मतलब 12 दिन बाद सिम्टम्स दिखेगा। वाइवैक्स का है 14 डेज, ओवाले का है 17 डेज और मलेरिया का है 28 डेज। सो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फाल्सिपारम इज 12, वाइवैक्स इज 14, ओवाले इज 17 एंड मलेरिया इज 28। अब मलेरिया कैसे पता चलता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर फीवर्स? मलेरिया में बुखार आता है और बहुत तेज बुखार आता है, बट हाउ इज इट डिफरेंट? द क्लासिकल सिम्टम ऑफ मलेरिया इज दैट बुखार रिकरेंट होता है, मतलब बहुत कंटिन्यूसली बुखार नहीं होता है, अचानक से बुखार बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे कि 2-3 दिन में एक बार बुखार आएगा और 3-4 घंटे तक के बहुत ज्यादा बुखार रहेगा विथ चिल्स। ओके, और जैसे ही खत्म हो जाएगा देर विल बी स्वेटिंग। सो यू विल सी दैट देर आर रिकरेंट फीवर्स। अब ये जो हमारा फाल्सिपारम है ना,
फैल्सीपैरम में जो फीवर है ये जनरली इरेग्युलर है, इसका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है. इट इज इरेग्युलर फ्रॉम 22 to 48 hours, मतलब 22 से 48 hours में कभी भी ये आते जाते रहता है. 48 hours के बाद 22 से 48 hours में रिपीट होगा. ये जो वाइवैक्स है इसका फीवर 48 hours के बाद, मतलब 2 दिन के बाद रिपीट होगा. इसका भी 48 hours के बाद रिपीट होगा और इसका 72 hours के बाद रिपीट होगा. किसका? प्लाज्मोडियम मलेरिया का. ओके, अब इन चारों, ये चार अलग अलग टाइप के हैं, तो चार अलग अलग टाइप का मलेरिया होता है. इन चारों में सबसे खतरनाक या सबसे ज्यादा डैमेजिंग है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम. प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम इज वेरी डेंजरस एंड इट कैन कॉज सिवियर डैमेज टू योर लिवर, टू योर ब्लड सेल्स एक्सेट्रा. ओके, अब चलते हैं ये प्लाज्मोडियम के सिम्टम्स या मलेरिया के सिम्टम्स. सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? इनिशियली जब इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होता है ना, तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है. एकदम माइल्ड फीवर रहेगा. ओके, माइल्ड फीवर रहेगा, हमें थकावट महसूस होने लगेगी, हमें लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, खाने पीने का मन नहीं करेगा, वीकनेस होगा. ओके, सो ऑल ऑफ दीज, माइल्ड फीवर, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक इन जनरल, राइट? सो ये बेसिक सिम्टम्स रहेंगे जो आई थिंक हर बीमारी में रहते हैं. अब हाउ डू आई नो दैट दिस इज मलेरिया? एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ क्लासिक सिम्टम. सो मलेरिया के हमें क्लासिक सिम्टम्स दिखने लगेंगे आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड गेट्स ओवर. ओके, इसमें क्या दिखेगा? इसमें तुम्हें मिलेगा हाई फीवर, हाई फीवर विथ chills, that is shivering, okay, and that will recur or reoccur after every 2 to 3 days. So it will reoccur after every 2 to 3 days. दो तीन दिनों में एक बार आएगा fever and it will last for approximately 6 to 8 hours. मतलब 6 से 8 घंटे तक ये बहुत तेज कनकनी वाला बुखार चढ़ेगा और फिर 6 से 8 घंटे बाद ही बुखार उतर जाएगा और तुम्हें फिर क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगी स्वेटिंग. ओके, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्वेटिंग. दैट इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ योर मलेरिया. तुम बोलोगे मैम ये क्या थोड़ा सा अजीब सा है, कंटिन्यूस बुखार समझ में आते हैं, ये 2-3 दिन में एक बार बहुत बुखार चढ़ेगा, ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो प्लाज्मोडियम है इसका एक लाइफ साइकिल है जो हमारी बॉडी में फॉलो करता है, जो हम देखेंगे. ये लाइफ साइकिल में जब ये आरबीसीज हमारे रेड ब्लड कॉर्पसल्स को तोड़ता है तो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोइन. हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में क्या रप्चर होता है? आरबीसीज रप्चर होते हैं. तो जब जब आरबीसीज रप्चर होंगे हीमोजोइन रिलीज होगा और जब हीमोजोइन रिलीज होगा तब ये कनकनी, तब ये शिवरिंग वाला फीवर चढ़ेगा. ओके, अब ये तो बहुत कॉमन है, बट क्या और कुछ होता है? यस, मलेरिया में होता है बहुत ज्यादा जॉइंट पेन. तो लेट अस सी अ फ्यू मोर सिम्टम्स. ओके, सो क्लासिक सिम्टम वी नो डेफिनेटली, बट लेट अस सी अ फ्यू मोर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. मलेरिया में होता है जॉइंट पेन्स. ओके, सो देयर इज ट्रिमेंडस जॉइंट पेन. ये जॉइंट पेन को हम बोलते हैं आर्थ्रालजिया. क्या बोलते हैं? आर्थ्रालजिया. सो देयर इज जॉइंट पेन जिसको हम बोलेंगे आर्थ्रालजिया. आर्थ्रालजिया के अलावा देयर विल बी हिपैटोमेगाली. हिपैटोमेगाली मतलब हमारे लिवर में आ जाएगी स्वेलिंग, क्योंकि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में वो लिवर में भी जाता है. सो देयर विल बी हिपैटोमेगाली, देयर विल बी आर्थ्रालजिया, देयर विल बी हीमोग्लोबिन्यूरिया. हीमोग्लोबिन्यूरिया मतलब जब आरबीसीज रप्चर होंगे तो हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगा. याद रखो आरबीसीज नहीं निकल रहे, क्या निकल रहा है? हीमोग्लोबिन. तो तुम्हारा यूरिन विल बी रेडिश बट इट विल बी क्लियर. देन इन सम केसेस, स्पेशली फाल्सीपैरम के केसेस में, इट कैन कॉज रेटिनल डैमेज, दैट इज रेटिनल डैमेज, आंखों में डैमेज होगा. एंड इट कैन ऑल्सो कॉज सेरिब्रल फीवर, मतलब ब्रेन फीवर. सो मलेरिया कैन ऑल्सो गो टू द ब्रेन. सो फाल्सीपैरम में तुम्हें जॉइंट पेन जो जनरली हर इसमें मिलता है, देन हिपैटोमेगाली, हीमोग्लोबिन्यूरिया, रेटिनल डैमेज, सेरिब्रल फीवर, ये सब देखने को मिलेगा. अब
ये सब क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर साइकिल फॉलो करता है। चलो देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये बोर्ड में पूछा जाता है, एंट्रेंसेस में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनो। ओके, नाउ प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कैसे आया? प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आया मस्कीटो के बाइट से। अब मतलब प्लाज्मोडियम को दो ऑर्गेनिजम्स में रहना है, किसमें? ह्यूमंस में भी रहना है और मस्कीटो में भी रहना है। अब दो लोगों में रहना है मतलब दो अलग अलग तरीके का लाइफ साइकिल होगा, मतलब दो अलग अलग फॉर्म्स में रहेगा। सो इट इज वेरी वेल अडॉप्टेड टू लिव इन टू होस्ट। सो लेट अस सी किस तरह से हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम मूव करता है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। ओके, सबसे पहले हमें मच्छर ने काटा, मस्कीटो ने जब काटा तो मस्कीटो के सलाइवा में है स्पेशलाइज सेल्स। ओके, ये स्पेशलाइज सेल्स को हम बोलेंगे स्पोरोजॉइट्स। क्या बोलेंगे? स्पोरोजॉइट्स। सो मस्कीटो के सलाइवा में क्या है? स्पोरोजॉइट्स है। अब ये स्पोरोजॉइट्स मस्कीटो के सलाइवा के थ्रू कहाँ आ गया? ह्यूमन बॉडी में आ गया। ह्यूमन बॉडी में कैसे आया? बाय द बाइट आया। बाइट के थ्रू हमारी बॉडी में क्या आ गए? स्पोरोजॉइट्स आ गए। अब ये जो स्पोरोजॉइट्स है, ये स्पोरोजॉइट्स हमारे लिवर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? लिवर में। लिवर के सेल्स में ये स्पोरोजॉइट्स जाएंगे और लिवर में ये मल्टीप्लाई करेंगे। लिवर में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फिजन के थ्रू, सो दे विल मल्टीप्लाई थ्रू फिजन या एसेक्सुअली एंड दे विल गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज मेरोजॉइट्स। सो तुम्हारे स्पोरोजॉइट्स ने क्या बनाया? मेरोजॉइट्स। कहां बनाया? लिवर में। अब लिवर के सेल्स को ये रप्चर करेंगे और लिवर से बाहर निकलेंगे। लिवर से बाहर निकलेंगे और ये चले जाएंगे कहां पे? आरबीसीज के अंदर। ओके, आरबीसीज के अंदर गया कौन? मेरोजॉइट। सो आरबीसी में गया मेरोजॉइट। मेरोजॉइट आरबीसी में मल्टीप्लाई करेगा और जब ये तुम्हारे, ये तुम्हारा आरबीसी जब ये मल्टीप्लाई करेगा मेरोजॉइट आरबीसी में, तो पहले एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे शाइजोंट। क्या बोलेंगे? शाइजोंट। ओके सॉरी, मेरोजॉइट से बनेगा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे ट्रोफोजॉइट। ओके, अब ये ट्रोफोजॉइट्स बनाएंगे अगेन एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है शाइजोंट। ये जो शाइजोंट्स है ये अल्टीमेटली वापस से क्या बना देंगे? मेरोजॉइट। तो हमारे पास स्पोरोजॉइट से बने मेरोजॉइट्स और मेरोजॉइट से बनेंगे ट्रोफोजॉइट, शाइजोंट एसेट्रा। अल्टीमेटली याद रखो आरबीसी में क्या है? मेरोजॉइट। ये आरबीसी बहुत बार, मतलब ये साइकिल चलती रहेगा, चलते रहेगा, बहुत सारे मेरोजॉइट बनते रहेंगे, नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे एंड बहुत सारे मेरोजॉइट्स रिलीज होंगे। ओके, अब आरबीसी रप्चर होकर जब ये मेरोजॉइट्स रिलीज होंगे तो ये मेरोजॉइट से बनेंगे सेल्स जिसको हम बोलेंगे गमीटोसाइट्स। क्या बोलेंगे? गमीटोसाइट्स। सो आरबीसी रप्चर करके मेरोजॉइट्स रिलीज करेंगे। जब जब ये आरबीसी रप्चर होंगे तब तक के क्या रिलीज होगा? हीमोजॉइन रिलीज होगा और उतनी बार क्या चढ़ने लगेगा? फीवर चढ़ने लगेगा। इतना समझ में आया? अब ये मेरोजॉइट से क्या बने? गमीटोसाइट्स बने। अभी गमीटोसाइट्स में कुछ है माइक्रो गमीटोसाइट्स और कुछ है मेगा गमीटोसाइट्स, मतलब बनेंगे मेल एंड फीमेल गमीटोसाइट्स। ये गमीटोसाइट्स कौन लेगा? मस्कीटो। तो जब मस्कीटो इस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को काटेगा तो अपने प्रोबोसिस मतलब डंक के थ्रू अपनी बॉडी में क्या ले लेगा? गमीटोसाइट्स। तो मस्कीटो में क्या चले गए? गमीटोसाइट्स। अब ये जो गमीटोसाइट्स है ना, ये गमीटोसाइट्स दैट इज मेल एंड फीमेल क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। सुपर, अब ये करेगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये डिप्लॉइड जाइगोट कहां बनेगा? ये बनेगा मस्कीटो के गट में। गट मतलब उसके पेट में। एक चीज याद रखो, मस्कीटो के अंदर खुद का ब्लड नहीं है। ओके,
तो मस्कीटो को जब हम मारते हैं तो वो जो ब्लड होता है वो हमारा ही चूसा हुआ ब्लड है। मस्कीटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा और ये गमीटोसाइट्स मिल कर बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको हम बोलेंगे ऊकाइनेट। क्या बोलेंगे? ऊकाइनेट। ऊकाइनेट वापस मल्टीप्लाई करेगा और ऊकाइनेट इंटेस्टाइन के वॉल में बनाएगा ऊसिस्ट। क्या बनाएगा? ऊसिस्ट। सो ऊकाइनेट एक सिंगल है, ओके? ये ऊकाइनेट बनाएगा ऊसिस्ट, तो ये सिस्ट होगा और ये सिस्ट में बहुत सारे ऊकाइनेट्स अरेंज होंगे, ओके? अब ये ऊकाइनेट विल नाउ डिवाइड मियोटिकली और मियोसिस करने के बाद, याद रखो यहाँ पे ये बन गया गमिटोसाइट से बन गया ऊकाइनेट जो कि है डिप्लॉइड। अब ये मियोटिकली डिवाइड करेंगे और बनाएंगे क्या? ये बनाएंगे वापस से स्पोरोजॉइट्स। क्या बनाएंगे? स्पोरोजॉइट्स। सो यहाँ पे एक डिविजन होगा, दैट इज मियोसिस, और ऊसिस के अंदर जो ऊकाइनेट है ये क्या बना देंगे? स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? मस्कीटो के सलाइवा में। यही मस्कीटो वापस से जब ह्यूमन को काटेगा, दूसरे ह्यूमन को काटेगा, तो उसके प्रोबोसिस के थ्रू क्या रिलीज हो जाएंगे? स्पोरोजॉइट्स हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ जाएंगे? लिवर में। लिवर में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनाएंगे? मेरोजॉइट्स। मेरोजॉइट्स कहाँ जाएंगे? आरबीसी, ब्लड में जाएंगे, आरबीसी में जाएंगे। आरबीसी में मेरोजॉइट्स बनाएगा ट्रोफोजॉइट्स काइजॉन्ट एंड वापस से बनेंगे मेरोजॉइट्स। मेरोजॉइट्स बार बार बनते जाएंगे, आरबीसी बार बार रप्चर होते जाएंगे, पीरियोडिकली हीमोजॉइन रिलीज होगा। अब ये मेरोजॉइट्स डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे? गमिटोसाइट्स। यहां से लेकर यहां तक के जो हुआ वो क्या है? वो ह्यूमन का पार्ट है। ह्यूमन में हमेशा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिमेम्बर दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके? अब गमिटोसाइट्स को कौन उठाएगा? मस्कीटो उठाएगा जब हमें काटेगा। मस्कीटो के गट में जाएगा ये गमिटोसाइट और होगा फर्टिलाइजेशन और बनेगा ऊकाइनेट। ऊकाइनेट मस्कीटो के गट में बनाएगा ऊसिस्ट, एक सिस्ट बनाएगा जिसके अंदर होगा मियोसिस एंड बनेंगे बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स जो चले जाएंगे मस्कीटो के सलाइवा में। दिस एंटायर थिंग इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम बेसिकली। आई होप इट इज नॉट टू मच फॉर यू टू रिमेम्बर। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है दैट हमारी बॉडी में जा रहा है स्पोरोजॉइट जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और इनकी बॉडी में जा रहा है गमिटोसाइट्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। फीवर इज ड्यू टू हीमोजॉइन, ओके? अब मलेरिया अगर हो जाए तो इंसान मर जाता है क्या? नहीं। मलेरिया होता है तो इंसान बीमार होता है, वीक होता है, उसके बॉडी में लिवर में स्वेलिंग होने लगती है बिकॉज लिवर इज इन्वॉल्व, हीमोग्लोबिनूरिया होता है बिकॉज आरबीसी रप्चर हो रहे हैं, राइट? बट मलेरिया कैन बी क्योर। मलेरिया जनरली ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा पाया जाता है, मतलब इंडिया में काफी पाया जाता है, राइट? सो एशियन ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। अब ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए WHO ने कुछ मेडिसिन रिकमेंड की है, ओके? WHO ने दिया है आर्टेमिजिनिन, ओके? आई एम सो सॉरी, जस्ट रिमेम्बर द वर्ड, आर्टेमिजिनिन कंबाइंड थेरेपी, आर्टेमिजिनिन कंबाइंड थेरेपी, ओके? एंड दैट इज कॉल्ड एज ACT। WHO ने ऐसे पांच अलग अलग ACTs रिकमेंड किए हैं जिसमें हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ओके? जिसमें मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंड दीज एंटीबायोटिक्स आर आर्टिस्यूनेट, सो दीज आर आर्टिस्यूनेट वन एंटीबायोटिक, द अदर इज सल्फाडोक्सिन, सो देर इज सल्फाडोक्सिन, सो आर्टिस्यूनेट सल्फाडोक्सिन, देन वी हैव पाइरीमिथामाइन, ओके? सो वी हैव आर्टिस्यूनेट सल्फाडोक्सिन एंड पाइरीमिथामाइन, एंड उसके अलावा क्विनाइन तो हम सबको पता है, राइट? सो क्विनाइन इज ऑल्सो यूज, दैट इज मिथाइल क्विनाइन एंड अ लॉट ऑफ अदर केमिकल्स आर यूज।
हमने आज सुना है दैट मलेरिया जहाँ पे होता है वहां पे कोविड 19 नहीं होता या कम होता है, बिकॉज क्विनाइन बेस्ड मेडिसिन हम जनरली कोविड 19 के पेशेंट्स को भी देते हैं, राइट? सो दैट इज अबाउट द मेडिसिन, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ओके? ये सब की कंबाइंड थेरेपी दी जाती है मलेरिया में. मलेरिया मस्कीटो के बाइट से होता है, तो इट इज इजीली प्रिवेंटेबल. कैसे? नेट्स लगाओ, स्टैग्नेंट वाटर मत जमा होने दो, पब्लिक ड्रेनेज को फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहो. मस्कीटो का जो लार्वा है वो लार्वा ब्रीड करता है स्टैग्नेंट वाटर में. क्यों ना हम लार्वा को ही खत्म कर दे, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ओके? देयर आर सर्टेन फिशेज विच फीड ऑन द लार्वा. वन ऑफ द फिश इज गैम्बूजिया. गैम्बूजिया इज अ फिश विच विल फीड ऑन द मस्कीटो लार्वा. तो अगर तुम्हारे पास एक्वेरियम है या तुम्हारे पास कहीं स्टैग्नेंट वाटर है तो वहां पे, या फिर पॉन्ड्स है, लेक्स है, तो वहां पे गैम्बूजिया डाल दो. इट विल फीड ऑन मस्कीटो लार्वा एंड इट विल प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. दैट इज, इट विल प्रिवेंट और कंट्रोल द नंबर ऑफ मस्कीटो इन योर एरिया. दैट इज अबाउट मलेरिया. द ओनली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आई बिलीव इज द लाइफ साइकिल, ओके? एंड लाइफ साइकिल, इफ यू रिमेम्बर वॉट वी हैव ड्रॉन, is not that difficult. Gametocytes and sporozoids are the two important words that we need to remember. देखते हैं अगला disease जिसका नाम है amoebic dysentery in the next video. Till then, revise.